पश्चिम बंगाल में हुए आम चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ममता ने बीजेपी के साथी का साथ मांगकर उसी की टेंशन बढ़ा दी। पीके के ममता से जुड़ने पर पहले ही बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हुई थी, मगर अब पीके की बड़ी सक्रियता ने बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी है, जिससे घबराई बीजेपी अब प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी के साथ हारने के बाद से ही प्रशांत किशोर एक्शन मोड में है। वो जहां ममता को आगे बढ़ने के लिए मंत्र दे रहे हैं, तो वही ममता की टीम के लिए चुनावी रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं, जिसने सूबे में बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। तभी तो पीके की सक्रियता से घबराई बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इकाई ने आरोप लगाया कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी टीम के सदस्य राज्य सरकार के अधिकारियों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं और कई विभागों की गोपनीय फाइलें देख रहे हैं। बीजेपी के राज्य महासचिव सायंतन बसु ने दावा किया कि पीके लोगों का फीडबैक लेने के नाम पर सरकारी कार्यालयों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं और विभिन्न विभागों की गोपनीय फाइलें देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं कि टीएमसी उनकी सेवाएं ले रही है, मगर वो जिस तरह से सरकारी फाइलें खंगाल रहे हैं, राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमें उससे परेशानी है। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने आईपैक को नियुक्त किया है या राज्य सरकार ने। दरअसल आईपैक पीके के संगठन का नाम है। बीजेपी ने कहा कि वो राज्यपाल से इसकी शिकायत करेंगे। इधर सत्तारूढ़ टीएमसी और प्रशांत किशोर के संगठन आईपैक ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।